थोड़ा सा टाइम लेता है एडजस्ट करने में। तो अभी तो चलते हैं, मकड़ियाँ चलने लगी, बताओ यार गाड़ी पे ठीक नहीं है तो ये मेरे को छोटी सी लग रही है। हाय गाइस, आपने देखा मेरा वीडियो कल का? यस, जिसमें मैंने आपको दिखाया था एलॉय जो बिगड़ गया थोड़ा सा, ये वाला। यस, तो अभी फ़िलहाल मैं लेकर के चल रहा हूँ बाइक को, अभी देखते हैं, पहले बाहर जाके इसमें हवा भरवाएंगे, उसके बाद देखते हैं, होपफुली एक बार में शायद चली जाए सीधी सर्विस सेंटर तक। तो सर्विस सेंटर लेके चलेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। आई होप छोड़नी पड़ेगी, शायद आज तो नहीं मिल पाएगी, क्या करना है उन्होंने क्या नहीं करना आई डोंट नो। और आने का भी देखेंगे, आई एम नॉट श्योर कि कैसे आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत वाला काम है भाई। तो अभी तो चलते हैं, मकड़ियाँ चलने लगी, बताओ यार गाड़ी पे खड़े खड़े। ये देखो इसका, इसने अपना घर बना लिया, ये देखो घूम रही है, ये घर ही बना लिया इसने अपना, बताओ। तो अभी शुरू करते हैं, आइडिया ये है, यहाँ से पहले बाहर में लेकर के जाऊँगा इसको और हवा डला के फिर सीधे आगे जावा शोरूम चलते हैं। अभी शुरू करते हैं और बिल्कुल आराम आराम से चलना पड़ेगा, बिकॉज़ कई दिन से हवा नहीं है, तो लेकर के चलता हूँ अभी। बस ये है कि पीछे ही है शॉप हवा की, तो बस पहुँच जाए वहाँ तक। और ऐसे बाइक में कोई बबलिंग वगैरह तो कुछ मेरे को लगी नहीं, कई लोगों ने मुझे बोला था, तो बस मैं अभी देखता हूँ यार, डर तो लगता ही है कि टायर डैमेज ना हो। हवा डलवा ली और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से जावा सर्विस सेंटर, और अभी तो मेरे को बोला है कि यस इतनी हवा तो है कि आराम से ये चलेगी, मतलब जिस स्पीड से हवा निकल रही है उसने बोला कि दो दिन में पूरी निकलेगी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ चलते आराम से ही हैं। बाकी कोई इशू बाइक में नहीं लग रहा मेरे को, मतलब जैसे एलॉय हल्का सा वो बैंड भी हुआ है, तो उसकी वजह से कोई जैसे बबलिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो कई लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि इसमें ट्यूब लगवा लो, आपका ट्यूबलेस टायर की जगह ट्यूब वाला हो जाएगा और चलता रहेगा। अब मेरे को बड़ा अलग सा लग रहा है, पता है आज, अब मेरे को मेरी बाइक छोटी लग रही है ये, इसमें आज विंड शील्ड नहीं है तो ये मेरे को छोटी सी लग रही है, कितना फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे हेलमेट का यार ये वाइज़र भी ख़राब हो गया, मेरे को वाइज़र लेना है, पूरा ख़राब हो चुका है, इसमें से ना पूरा दिखता ही नहीं है ढंग से। तो अभी वहाँ पे चल के मेरे को यही लग रहा है कि शायद तो बाइक मेरे को छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज़ अभी 10:45 तो हो ही रहे हैं, पहुँचते पहुँचते आराम से 11 बज जाएंगे। बट एनीवेज चलते हैं और होप सो कि कोई थ्रिल ना हो रास्ते में, आराम से चलते रहें। तो अभी पहुंच ही गया मैं सर्विस सेंटर, एंटर करते हैं यहाँ से अंदर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी तो ये रहा कि जावा वालों ने मेरे को एक दिया टेम्प्रेरी फिक्स, तो उसके चलते मैं थोड़ा सा बाइक को चला रहा हूँ। एलॉय तो चेंज कराना ही पड़ेगा, परमानेंट तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है, तो टाइम लगेगा थोड़ा एक, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही था कि मैंने उनसे बातचीत करके उनको अच्छे से दिखा दिया, बता दिया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे नो इट वेरी वेल, उनको ऑलरेडी पता है, तो मैंने उनको बता दिया कि क्या इसमें समस्या मेरे को लग रही है। तो देखते हैं, उन्होंने बोला है कि आप नेक्स्ट वीक एक बार दोबारा से ले आना, तो इन द मीनवाइल उन्होंने तो देख के यही बोला कि क्योंकि एलॉय में ऐसा कोई क्रैक वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी देखता हूँ, मेरे को अगर लगेगा कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं इसको चला सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही, हालाँकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को अभी आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। मेरे को कई लोगों ने बोला कि बाइक में बबलिंग वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा तो कोई इशू मेरे को दिखा नहीं बाइक में 1% भी, क्योंकि बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो उसके चलते ही मेरे को बोला है कि देख लो आप इसको और थोड़ा सा चलाओ, तो बाकी मैं फिर उनसे नेक्स्ट वीक आकर के मिलूंगा। तो गाइस इन द मीनवाइल मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि वीकेंड पे मैंने और भी दो तीन जगह ट्राई किया था कि कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो अपडेटेड बाइक्स हैं वही नहीं मिली। आई वॉज लुकिंग फॉर सुजुकी 250 जो अभी नई बाइक आई है, बट येस वो अवेलेबल ही नहीं थी, ना तो टेस्ट राइड के लिए ना डेमो के लिए, तो इस वजह से मैं उसका वीडियो कवर नहीं कर पाया। देखता हूँ इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक तो थोड़ा आराम से ही चलाना पड़ेगा बाइक को, क्योंकि बेकार रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। जावा सर्विस सेंटर पे जब मैं जा रहा था तब तो मैं इतने आराम आराम से लेकर के गया हूँ कि मैं ब्रेकर पे भी बिल्कुल जैसे साइकिल निकालते हैं ना वैसे निकाल के लेके गया हूँ इसको, क्योंकि मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन स्टिल ओपन है क्योंकि मैंने स्कोप मेरे पास रखे हैं और वही स्कोप पे यही सेम टायर भी लग सकते हैं, बस इसके अंदर मेरे को ट्यूब लगानी पड़ेगी। बट यस सही बताऊँ ना तो ट्यूबलेस टायर वाकई हेल्पफुल है, मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ है। और मैं बताऊं आपको जब से मैंने बाइक ली है मेरे को स्पोक्स में एक बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ना तो स्पोक्स में मेरे कोई पंक्चर ना कुछ और कभी कोई दिक्कत आई, और ये पहली बार है कि अलॉयज़ में मेरे को एक दिन टायर में बहुत ज़्यादा कम हवा थी तो मैं लेकर के गया इसको। बट ये फ़ायदा होता है खैर अलॉयज़ में कि आपको ना ये नहीं सोचना कि यार बाइक को खचेड़ के लेके जाना है या कैसे करना है, आप आराम से बाइक को बैठ करके लेके जा सकते हो। बाकी अभी देखो गर्मी को देखते हुए मेरा कोई मूड नहीं करा कि मैं इधर उधर कहीं जाऊं बाइक को एक बार टेस्ट कर लूं, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से हवा फिर से निकलनी होगी तो खड़े खड़े ही हवा लीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पता चल जाएगा आपको। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा कोई मूड नहीं करा इधर उधर कहीं जाने का, इसलिए मैं अभी यहाँ से वापस ही चल रहा हूँ। और आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और YouTube पे बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस आएंगी अभी, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स, क्योंकि कल मैं गया था बेसिकली कावासाकी पे और वेस्पा, और मेरे को जावा वालों की यही चीज़ अच्छी लगती है, दे असिस्ट एंड असिस्ट वेल, क्योंकि वो अच्छे से गाइड करते हैं, जो चीज़ चलने वाली होती है उसको बोल देते हैं कि हाँ ये चलेगी, जो नहीं चलने वाली होती है उसको मना कर देते हैं कि जी नहीं ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है आप इसके चक्कर में ना। तो आज अपन देखेंगे IPL के मैच, वो भी पूरे होता ही है तो उसमें देखता हूँ, बट पूरे नहीं देख पाता, या तो एक इनिंग निकल जाती है पहले की या बाद की जो भी है। तो फ्रेंड्स अभी बेसिकली मैं जा रहा था वापस, तो मैं रुका बीच में एक जगह, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं भी और बताऊं भी कि उन्होंने क्या अभी कुछ करा है। तो एक तो उन्होंने ना बेसिकली ये देखा कि इसमें जो ये क्लच वायर आती है ये थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बिकॉज ये साइलेंसर के ऊपर से आ रही थी, तो उन्होंने ये भी थोड़ी सी ठीक करी, दे रियली टेक केयर ऑफ द बाइक वेल। दूसरा उन्होंने ना इसमें कुछ तो फिक्स किया है, ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आया बिकॉज़ मैंने तो बाइक अंदर छोड़ी थी कुछ देर के लिए, तो उन्होंने इसमें कुछ तो चेंज किया है, और अभी उन्होंने मुझे बोला है कि ये कुछ उन्होंने फिक्सिंग इसमें की है तो अभी मैं इसको चला सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको चलाऊँगा करीब करीब 5-7 दिन, फिर मैं देखूँगा कि इसमें मेरे को कुछ और चेंज करना है या फिर यही ठीक है। वैसे तो मैं उनको बोल के आया हूँ कि नहीं मेरे को अलॉय चेंज ही करना है, और दे गिव मी टाइम कि आप भी थोड़ा सोच लो कि अगर आपको लगता है कि हाँ चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, विल चेंज इट। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं करा खास कि मेरे को क्या करना है, इसी वजह से मैं आ गया वापस। मैंने कहा चलो संडे स्पॉइल नहीं करते, अपना भी उनका भी इन्जॉय करेंगे, उन्हें भी इन्जॉय करने देते हैं, अपन भी IPL खेलेंगे, सॉरी देखेंगे। तो अभी की स्टोरी यही थी दोस्त कि मैं वापस जा रहा था और मैंने सोचा कि यार उनका भी संडे बर्बाद नहीं करते अपना भी नहीं करते, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन अगर सोचेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कुछ एक सॉल्यूशन उनके पास थे, उन्होंने मुझे बताया भी कि आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक तो अलॉय की अवेलेबिलिटी की भी बात है कि हाँ भाई उनके पास स्टॉक में होना चाहिए, मैंने कन्फर्म नहीं करा वैसे है या नहीं है पता नहीं, तो देखते हैं सारी की सारी चीज़ें हैं और होपफुली नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ मैं इतना बोलूँगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इतने अच्छे से वो बाइक की टेक केयर करते हैं, उन्होंने देखा कि जो इसकी क्लच वायर है वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रही है, उन्होंने उसको भी रेक्टिफाई करा ठीक करा, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं बेटर हैं। न्यूज़ यही है कि बाइक मेरी अभी चलाने योग्य है, तो आई कैन राइड इट, और आई होप कि इसमें से अभी हवा नहीं निकलेगी और मैं इसको कंटिन्यू चला पाऊँगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन कुछ काम आएगी आपके भी,
अगर आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके कि मैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करता हूं या फिर मैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन खुद लेता हूं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए वीडियोस पे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। तो अभी ना कुछ कुछ तो फिक्स हुआ था, ये अभी देखने में पता लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी सुबह से तो बाइक की कंडीशन ठीक है एकदम, कोई हवा वगैरह इसमें से नहीं निकली। अभी एक काम करेंगे, बिना विंडशील्ड के थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा, तो अभी हम विंडशील्ड लगाएंगे। इनको खोल लेते हैं सबको। तो अभी इसको ट्राई करेंगे, ये जाएंगे ऊपर में और ये जाएगा नीचे, और ये हमारे लगते हैं इधर में। अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसे भी आपको ये सही लगती है, और उसके बाद इसको टाइट कर दो। पहले जब ये लगी थी तब थोड़ी सी टेढ़ी थी, मैं कोशिश करूँगा आज इसको एकदम सीधा लगाऊँ जैसा मेरे को चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेता है एडजस्ट करने में। तो अभी टाइट भी हो गई, हर तरफ से अच्छे से इसको टाइट कर दिया मैंने। तो वी आर बैक इन एक्शन। तो मैंने अभी बैठ के देख लिया, मैंने मुझे ठीक लग रही है, इट लुक्स अलाइन।